और अब बात करते हैं बोरोडियांका की। कीव के पास का ये वो इलाका है जो यूक्रेन के कब्जे से आजाद हुआ है। कल हमने बोरोडियांका की तबाही की तस्वीर आपको दिखाई। आज तक के वॉर रिपोर्टर राजेश पवार कल बोरोडियांका गए और वहां की बर्बादी अपनी आंखों से देखी। देखिए राजेश पवार की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो राजेश पवार के कैमरे में कैद हुई हैं। उन्होंने ये तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं ताकि आप समझ सके बोरोडियांका में इस वक्त कैसी स्थिति है। घर के घर तबाह हो रहे हैं। ये यहाँ बोरोडियांका का पुलिस हेडक्वार्टर था, पूरी तरह से ये तबाह हो चुका है, जल चुका है। ये देखिए मेरे पीछे जो है एक मिलिट्री ट्रक है, मेटल तक पिघल गया है। क्या हालत हो गई है इसकी। और ये आपको दिख रहा है, ये जो मिसाइल से हिट हुआ है ये उसका हिस्सा है, ये पीछे दिख रहा है आपको। पीछे मिसाइल गिर रही है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये रॉकेट का हिस्सा है और ये बचा है इस मिलिट्री ट्रक का। अभी क्रेन है शायद, ये क्रेन लग रहा, बड़ा व्हीकल है, क्रेन है शायद। और देखिए पीछे ये, अगर आप देख सकते हैं यहाँ ये गाड़ी जली और पीछे ये बच्चों के खेलने की जगह है। पीछे अपार्टमेंट ब्लॉक है, शायद उनके बच्चों के लिए था ये, यहाँ खेलने की जगह है। और यहाँ इस तरह भीषण युद्ध हुआ है। ये पाइप पड़ी हुई दिख रही है, ये पाइप नहीं है, ये रॉकेट का हिस्सा है। ये मार्किंग्स हैं इसके ऊपर, ये मार्किंग्स हैं। पूरे इलाके में सिर्फ तबाही है और अनफायर्ड रॉकेट्स जो फटे नहीं हैं, अनएक्सप्लोडेड रॉकेट्स, एम्यूनिशन अभी भी चारों तरफ बिखरा पड़ा है यहाँ पर। ये पीछे एक और बिल्डिंग है, इसका एक पोर्शन जलकर खाक हो चुका है। और ये देखिए गाड़ियाँ सब चली हुई हैं, सब को तबाह कर दिया गया है, सब कुछ जल चुका है, ख़त्म हो चुका है। बोरोडियांका जो एक कस्बा है, इसमें सबसे ऐसा कस्बा रहा जिसमें बहुत ज़्यादा भीषण लड़ाई हुई है इससे पहले कि जो रूसी फौज थी वो इरपिन और बूचा और जो कीव के नज़दीक इलाकों में पहुंची है। खाने पीने का स्टोर है, हल्का सा कोई छोटे मोटे स्टोर हैं, छोटा कस्बा है ये। यहाँ छोटे मोटे घर रहे होंगे जो तबाह हो गए हैं। सड़क के किनारे है तो ये वो इलाका है जहाँ से टैंक्स आए होंगे, जो मेन एरिया है, मेन एक्सेस है। तो रास्ते में जहाँ से भी फायर आया होगा उनके ऊपर उन्होंने बमबारी की होगी। पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया है, पूरा पूरा घर। ये मेरे पीछे जो है एक मिलिट्री ट्रक है, पूरी तरह से तबाह हो गया है। और ऐसे बहुत से ट्रक हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ बहुत चली पड़ी हैं सारी। ये देखिए घर तबाह हुआ पड़े हैं पीछे। ये एक और मिलिट्री ट्रक जो पूरी तरह से तबाह हो गया है, एक और, चारों तरफ जली हुई गाड़ियां पड़ी हैं, कार हैं, ट्रक्स हैं, टैंक्स हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, और घर, अपार्टमेंट ब्लॉक, सुपरमार्केट, सब कुछ पूरी तरह से सिर्फ विनाश के निशान है चारों तरफ।